सब्सक्राइब करिए आरएस इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक हाई स्पीड कूलर मोटर लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इसका पार्ट वन यानी रनिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिब जी और आप देख रहे हैं आरएस इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। और दोस्तों, अगर इसका आपको पार्ट टू देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसका पार्ट टू देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा हाई स्पीड कूलर का मोटर है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसमें स्लॉट है, ये स्लॉट 24 स्लॉट है और इसमें मैंने पहले से इसमें जो पीवी सीट है इसमें मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। दोस्तों, ये 1400 आरपीएम में ये भरा जाएगा जैसा कि आप सब देख सकते हैं, और ये 220 वोल्ट पे एसी वोल्ट पे ये चलेगा और 4 MFT का इसमें कैपेसिटर यूज़ होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें स्टम्पिंग के बारे में इसके जानते हैं। तो दोस्तों, स्टम्पिंग नापने के लिए आपको स्केल ले लें, स्केल की सहायता से आप इसकी स्टम्पिंग नापें। तो इसकी स्टम्पिंग जो है ये 1 इंच है, 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग 1 ही इंच है। और अगर इसके हम कोर लेंथ की बात करें, बीच की गोलाई की बात करें, ऊपर से या नीचे से, तो इसका जो कोर लेंथ है ये 2.5 इंच है, इसका कोर लेंथ 2.5 इंच है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। दोस्तों, इसका नाप लेने के लिए आपको एक वायर ले लें, वायर की सहायता से आप इसका नाप लें। इसका जो पिच रहेगा ये 1 से 4 यानी 2 स्लॉट आपको बीच में छोड़ लेने हैं, और छोड़ने के बाद आपको इस तरह से आपको नाप निकालना है, जितना इधर है उतना आपका उधर भी रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम फर्मे पर इसका कॉइल बना के दिखाते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास फर्मा है, मैंने फर्मे पे ये जो कॉइल का साइज लिया था वो फर्मे पे लगाने के बाद इसको टाइट कर लेंगे, उसके बाद नाप को हम तोड़ लेंगे। उसके बाद पहले और दूसरे पे 2 कॉइल का 1 सेट हम बना के आपको दिखा दे रहे हैं, ऐसे आपको 3 सेट और बनाने हैं। दोस्तों, इसमें जो मैंने वायर यूज़ किया वो कॉपर वायर यूज़ किया, मैंने लंबा कॉइल नहीं बनाया है, मेरे पास ये फर्मा है। तो फर्मे की सहायता से हम ये कॉइल कूलर का बनाएंगे, ये हाई स्पीड कूलर का। दोस्तों, आप किसी कपड़े या किसी कागज़ से वायर को अच्छे से पकड़ लें ताकि आपका हाथ ना कटे। उसके बाद आप कॉइल को कुछ इस तरह से आपको बनाने। दोस्तों, आगे हम इसका पूरा डेटा आपको, रनिंग का आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, वहाँ से मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों, इसका मैं आपको 2 कॉइल का 1 सेट में हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं, ऐसे ही आपको 3 सेट और बनाने हैं, वो मैं आपको बना के नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको कॉइल कुछ इस तरह से आपको बनाने हैं। और कॉइल जब बनाने के बाद, मेरा कॉइल बन गया, अब इसको हम एक पतले वायर से हम इसको सिंगल कॉइल को हम बांध लेंगे। आप इसमें धागा भी यूज़ कर सकते हैं, धागे से भी आप बांध सकते हैं, लेकिन हम ये वायर यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको इसकी अब डेटा हम आपको बता दे रहे हैं कितने नंबर से भरा जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो आपको रनिंग वायर यूज़ करने हैं वो आपको 27 नंबर रनिंग वायर यूज़ करने हैं, और दोस्तों इसमें जो रनिंग आपको टर्निंग लेने हैं उसमें 110 और 120 टर्निंग लेने हैं, और इसमें जो रनिंग कॉइल वेट दोनों रहेगा वो 360 ग्राम रनिंग दोनों कॉइल वेट इसका रहेगा। और अगर कॉइल पिच की बात करें तो इसकी जो रनिंग कॉइल पिच रहेगी ये 4 और 6 इसकी रनिंग कॉइल पिच रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम आपको इसका वाइंडिंग करके आपको दिखाते हैं आगे।
तो चलिए दोस्तों अब वाइंडिंग हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये मेरा कॉइल है, कॉइल को कुछ इस तरह से रखने हैं और छोटी कॉइल को आपको उठा लेना है इस तरह से। उसके बाद ये वायर जो है आपको इस तरह से करने के बाद आपको किसी एक स्लॉट में इसको इंस्टॉल कर देना है, किसी भी एक स्लॉट में आपको ये इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद आपको इसमें जो पेपर लगाने हैं वो तो पी सीट आपको यूज़ करने हैं, वही कागज़ वाला जो पेपर होता है स्लॉट साइज पेपर आपको इसमें पहले कॉइल में हर पहले कॉइल में रनिंग के आपको ये वाला पेपर कागज़ वाला पेपर आपको लगाने हैं पहले वाले कॉइल में हर रनिंग के। उसके बाद आपको कॉइल को अच्छे से बराबर कर लेना है और बराबर करने के बाद
दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं मेरा चारों कॉइल जो रनिंग का था वो लगभग इंस्टॉल हो गया है, कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो तो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ से मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों इसकी जो स्पीड रहेगी बहुत ही अच्छी इसकी स्पीड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाई स्पीड ये कूलर है। तो ये मेरा रनिंग जो चारों रनिंग कॉइल था वो मेरा इंस्टॉल हो गया है। कॉइल को अच्छे से दबा लेना, दबाने के बाद आपको ये देख लेना है आपको कुछ इस तरह से। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका कॉइल कनेक्शन आपको बताते हैं, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। दोस्तों ये हर कॉइल का दो दो सिरा है निकला हुआ है, ये हर कॉइल का मैंने पहला दूसरा तीसरा चौथा मैंने पहला इसको माना है, रनिंग वन रनिंग टू रनिंग वन रनिंग टू रनिंग वन रनिंग टू, हर कॉइल के एक सिरा है। मैं इस कॉइल से स्टार्ट करता हूँ, आपको इसका पहला सिरा कनेक्शन के लिए आपको छोड़ देना है, दूसरा सिरा जो बचता है वो दूसरे कॉइल के दूसरे सिरे में ये ऐड होगा। इसमें आप अब इसका इंसुलेटर साफ करके इसमें आपको सिली पाइप लगा देना है कुछ इस तरह से, यानी रनिंग के पहला जो कॉइल है उसका पहला सिरा आपको कनेक्शन के लिए छोड़ देना है, उसके बाद तो दूसरा सिरा आपका बचता है वो दूसरे कॉइल के दूसरे सिरे में ये ऐड हो जाएगा, ये वाला और ये वाला ये ऐड हो जाएगा। इसको आपको अच्छी तरह से जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद बचा हुआ वायर आपको कैंची से काट देना है, और काटने के बाद आपको इसमें पाइप स्लिप पाइप जो ये स्लिप होता है आपको इसको लगा देना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा कॉइल जो है उसका पहला जो सिरा है यानी इनर वायर तीसरे कॉइल के इनर वायर में ये ऐड हो जाएंगे। ये दूसरा कॉइल का जो इनर वायर बचता है वो तीसरे कॉइल के इनर वायर में ये ऐड हो जाएगा, इसको भी आपको अच्छे से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यानी जोड़ लेना है, और उसके बाद आप कैंची से बचा हुआ वायर काट लें और इसके ऊपर स्लिप पाइप ऊपर लगा दें। अब दोस्तों ध्यान रहे जो तीसरा कॉइल है उसका हमारा आउटर वायर बचता है, तीसरा कॉइल का आउटर वायर, तो जो चौथा कॉइल है उसका आउटर ही वायर इसमें ऐड होगा। इसको भी आपको इंसुलेटर इसका साफ कर लेना है, उसके बाद आपको इसमें स्लिप पाइप लगा लेना है, और स्लिप पाइप लगाने के बाद इसका इंसुलेटर साफ कर लेना है और इसको भी अच्छे तरीके से जोड़ लेना है। यानी आपका पहला जो कॉइल इनर से स्टार्ट हुआ था, चौथा कॉइल का आपका इनर ही बचेगा, यानी इनर पहले कॉइल का इनर बचेगा और चौथे कॉइल का इनर बचेगा, जो आपका कनेक्शन हो जाएगा लीड कनेक्शन। ये देखिए नीचे टू नीचे यानी इनर टू इनर आउटर टू आउटर वायर्स ऐड हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।